नमस्कार दोस्तों, फैमिली लॉ के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड स्टेट रेगुलेशंस का चौथा पार्ट हम लोग देखेंगे, जिसका टाइटल है सती। कस्टमरी प्रैक्टिसेस हमारे हिंदू धर्म की कुछ अनिष्ट रूढ़ी और परंपराएं हैं, और स्टेट रेगुलेशंस यानी सरकार ने उन्हें रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, कौन कौन से कानून को पास किया, इसे हम लोग कहते हैं स्टेट रेगुलेशन। तो चौथा पार्ट है सती। आप सभी ने सती की कहानी सुनी होगी। सती जो है वो दक्ष प्रजापति की बेटी थी। उन्होंने शंकर भगवान के साथ शादी की थी। शंकर भगवान गरीब होने की वजह से दक्ष ने उनका अपमान किया और दक्ष के ही यज्ञ में उनको निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन सती बिना बुलाए चली गई और अपमान करने के ऊपर और शंकर भगवान की मजाक उड़ाने के ऊपर वो यज्ञ में कूद गई। हिंदू धर्म में सती को एक पतिव्रता औरत माना जाता है। तो ये थी कहानी सती की। आप सभी ने सती का स्टोरी वाइज एंगल देख लिया होगा। अभी हमें देखना है कि सती के बारे में हमें एग्जाम में क्या प्रोड्यूस करना है। तो सती से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। इसको पहले हमें रेफरेंस देना है कि सती के बारे में और सती को प्रोहिबिट करने के लिए ये एक्ट पास किया है। इसके बाद में हमें लिखना है कि सती का डेफिनेशन ये एक्ट क्या बताता है। तो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन सी ऑफ द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 डिफाइंस सती एज फॉलोज। सेक्शन 2C याद रखना, इसके ऊपर MCQ आ सकता है। सती मीन्स द एक्ट ऑफ बर्निंग और बरिंग अलाइव ऑफ एनी विडो अलॉन्ग विद द बॉडी ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड और एनी अदर रिलेटिव और विथ एनी आर्टिकल ऑब्जेक्ट और थिंग एसोसिएटेड विद द हस्बैंड और सच रिलेटिव और एनी वूमन along with the body of any of her relatives, irrespective of whether the such burning or burying alive is claimed to be voluntary on the part of widow or the woman or otherwise. इसका मतलब है, सती का मतलब है एक ऐसी action, burning का मतलब है जलाना, burying alive यानी जिंदा दफनाना, of any widow, widow का मतलब है विधवा औरत, along with the body of her deceased husband यानी उसके मरे हुए पति की शव, या फिर एनी अदर रिलेटिव और विथ एनी अदर आर्टिकल यानी अगर दफनाने की बात होगी तो पति के शव के साथ विडो का दफनाया जाना या फिर किसी वस्तु को साथ में रख के उसका दफनाया जाना, इसको हम लोग कहते हैं सती। और एनी अदर थिंग एसोसिएटेड विद द हस्बैंड और एनी सच रिलेटिव, एनी वुमन अलॉन्ग विद द बॉडी ऑफ एनी ऑफ हर रिलेटिव्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर सच बर्निंग और बरिंग अलाइव इज क्लेम टू बी वॉलेंटरी। कई बार क्या होता था, जो सरकारी ऑफिसर्स होते थे या फिर पुलिस ऑफिसर्स होते थे, सती को रोकते हुए जाते थे या फिर रोकने के लिए जाते थे तो एक ऐसी दलील पेश की जाती थी कि वो अपनी मर्जी से जा रही है। तो इसीलिए कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट में ये भी डाला गया कि वेदर वो जो औरत है जो सती जा रही है वो अपनी मर्जी से जा रही है या फिर उसे ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है, इट इज़ इममटेरियल, सती इज़ प्रोहिबिटेड। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ये डिफाइन करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और सती का डेफिनेशन आपको एज इट इज़ लिखना है। ये जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस है ये आ सकती है आपके एग्जाम के अंदर। सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 का सेक्शन नंबर 3 अटेम्प्ट टू कमिट सती को भी प्रोहिबिट करता है। सेक्शन नंबर 3 ये कहता है, हम लोग बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द इंडियन पिनल कोड एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860, Whoever attempts to commit sati and does any act towards such commission shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or fine or with both, provided that special court trying an offence under this section shall before convicting any person take into consideration the circumstances leading to the commission of offence, the act committed, the state of mind of the person charged of the offence at the time of commission of the act and all other relevant factors. Section 3 को आपको याद रखना है, लेकिन इसको as it is लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो भावार्थ है या फिर इसका जो समरी है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, 6 months imprisonment to the woman who attempts to commit sati, however the circumstances which led her to this drastic step will be taken into consideration before awarding the punishment. इसका मतलब है, अगर कोई औरत सती करने का अटेम्प्ट करती है और जिंदा बच जाती है तो उसे जिंदा बचने के बाद 6 महीने की पनिशमेंट सुनाई जा सकती है या फिर 6 महीने तक की पनिशमेंट सुनाई जा सकती है, लेकिन
इस पनिशमेंट को सुनाते वक्त उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था, उसे ज़बरदस्ती भेजा गया या फिर अपनी मर्जी से गई, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा और तभी जाकर 6 महीने तक की पनिशमेंट उसे सुना सकते हैं, ये कहता है सेक्शन नंबर 3। अभी हम लोग आगे देखते हैं, सेक्शन नंबर 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट 1987 ये डिफाइन करता है अबेटमेंट ऑफ सती। अबेटमेंट यानी एनकरेजमेंट। बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द इंडियन पिनल कोड एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860, इफ एनी पर्सन कमिट सती, हुएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ सच सती आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शैल बी पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। इफ एनी पर्सन अटेम्प्ट टू कमिट सती, हुएवर अबेट सच अटेम्प्ट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन। इसका समरी कुछ इस प्रकार से है, इफ अ पर्सन अबेट्स और एनकरेजेस एनी वुमन टू कमिट सती एंड इट एक्चुअली हैपन्स, इट शैल बी पनिशेबल विथ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट टू लाइफ एंड ऑल्सो फाइन। आपने इंडियन पिनल कोड में देखा होगा सेक्शन 304 अबेटमेंट टू सुसाइड। अबेटमेंट टू सुसाइड यानी किसी एक इंसान को सुसाइड करने के लिए एनकरेज करना, और अगर वो सुसाइड हो जाता है तो डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हम अवॉइड कर सकते हैं। माफ़ कीजिए, डेथ अब अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक उसे अवॉइड हो सकती है। और ठीक उसी प्रकार से अबेटमेंट ऑफ सती, सती एक प्रकार का सुसाइड ही है, तो किसी एक इंसान ने एनकरेज किया सती कमिट करने के लिए एक औरत को, और अगर सती हो जाता है यानी उस औरत ने खुदकुशी कर दी आपके कहने के ऊपर या फिर जिस इंसान ने एनकरेज किया उसके कहने के ऊपर, तो उस इंसान को लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। ये सेक्शन नंबर 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट 1987 कहता है। अबेटमेंट के अंदर क्या इंक्लूडेड है, अबेटमेंट टू सती के अंदर, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये जो सेक्शन नंबर 4 है उसका प्रोवाइजो है उसके अंदर हमें दिया है, एक्सप्लेनेशन के अंदर हमें दिया है, अबेटमेंट टू सती शैल इंक्लूड any inducement to a widow or a woman to get burnt or buried alive along with the body of her deceased husband. इसका मतलब any encouragement to a widow to get burnt or buried alive, यानी एक विधवा औरत को encourage करना कि तुम चिता के अंदर कूद जाओ या फिर जिंदा दफनाई जाओ, इसे हम लोग कहेंगे abetment to sati, इसका एक प्रकार। making her believe that committing sati will confer some spiritual benefit, यानी तुम्हारा धार्मिक उन्नति होगी, धार्मिक उद्धार होगा, मोक्ष मिलेगा, सालवेशन मिलेगा, ऐसी चीज़ों को हमें कहना, और इस कहने के ऊपर वो अगर सती कमिट करती है तो उसे भी हम लोग कहेंगे अबेटमेंट टू सती। इफ़ अ वुमन वॉन्ट्स टू कमिट सती ऑन हर ओन विल इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग हर, एनकरेजिंग हर टू रिमेन फर्म ऑन हर डिसीजन, यानी अगर कोई औरत है जो स्वयं खुद सती जाना चाहती है, उसे रोकने की बजाय उसे एनकरेज करना कि तुम जो कर रही हो वो अच्छा कर रही हो, इसे भी हम लोग कहेंगे अबेटमेंट टू सती। इसके बाद में पार्टिसिपेटिंग इन एनी रिचुअल इन्वॉल्विंग इन कमीशन ऑफ सती, सती के कुछ जो रिचुअल्स है या फिर कुछ कर्मकांड है वो हमें बताया गया है पुराणों के अंदर, और ऐसे किसी रिचुअल के अंदर पार्टिसिपेट करना, इसे भी प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट 1987 अबेटमेंट टू सती मानता है। इसके बाद में प्रिवेंटिंग अ वुमन हु इज ट्राइंग टू एस्केप और सेव हरसेल्फ फ्रॉम बीइंग बर्न्ड अलाइव एज सती, इसका मतलब अगर चिता के अंदर कोई औरत कूद चुकी है या फिर उसे भेजा गया है ज़बरदस्ती, और अगर वो बाहर निकलना चाहती है तो उसे बाहर निकल जाने से रोकना, इसे भी कहा गया है अबेटमेंट टू सती। ये बहुत ही अनिष्ट रूढ़ी और परंपरा है। और छठा अबेटमेंट का फैक्टर कहा है ऑब्स्ट्रक्टिंग और इंटरफियरिंग विद द पुलिस ऑफिसर इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज ऑफ टेकिंग एनी स्टेप टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सती। किसी इंसान ने अगर इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ पर सती हो रहा है या फिर सती का रिचुअल हो रहा है और रिलेटिव ने पुलिस को रोकने की कोशिश की, तो इसे भी कहा जाएगा अबेटमेंट टू सती। और ये जो है इसका पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि हर एक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जज देने की पावर रखता है। सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट 1987 कहता है पनिशमेंट फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ सती। इसका मतलब कोई एक इंसान डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट तरीके से सती की जो रिचुअल है, सती की जो प्रथा है, उसे ग्लोरीफाई करने की कोशिश करता है, तो उसे किस प्रकार की सज़ा मिलेगी।
बेयर एक्ट में कुछ इस प्रकार से लिखा है, हुएवर डज एनी एक्ट फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ सती शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सटेंड अप टू 7 ईयर्स एंड विद फाइन दैट शैल नॉट बी लेस देन 5,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड अप टू 30,000 रुपीज। इसका मतलब है सती को ग्लोरीफाई करने के प्रयासों के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कुछ इस प्रकार से सजा मिलेगी, 1 साल से लेके 7 साल तक की जेल और 5,000 से लेके 30,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों चीज़ें। यह है सेक्शन नंबर 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट 1987 का। तो प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट के 1 से लेके 5 तक सेक्शन इंपॉर्टेंट थे। और लास्ट में आपको लिखना है कि सोशल रिफॉर्मर्स विच लेड अ मूवमेंट टू बैन सती, दो सबसे इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन रॉय, आपने लास्ट लेक्चर में भी इनको देखा होगा, इन्होंने चाइल्ड मैरिज को भी बैन करने के लिए एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट लीड की थी, और ये थे ब्राह्मो समाज के फाउंडर राजा राम मोहन रॉय। इसके बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक, और 23 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को एबॉलिश किया था, और ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर MCQ डेफिनेटली निकल कर आ सकता है। और आपका जो प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट है 1987 का, उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन सी डेफिनेशन ऑफ सती, सेक्शन 3 पनिशमेंट फॉर वुमन हु कमिट सती 6 महीना, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ एनकरेजमेंट ऑफ सती सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 पनिशमेंट फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ सती डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये जो पनिशमेंट है 1 से लेके 7 साल तक की जेल और 5 से लेके 30,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों चीज़ें। और इतना आपने लिख दिया तो आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।